हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में जितेंद्र, और आज हम फिट करने वाले हैं ये डिटेल मीटर अपनी गन मेटल ग्रे में। एंड बहुत सारी डिटेलिंग देने वाला हूं, बिकॉज फिट करते हुए वायरिंग डिटेल और बाकी सारी चीजें तो मिल जाएंगी, बट प्रो एंड कॉन्स मिलेंगे इसके कि इसका फिट करने के प्रो एंड कॉन्स क्या है और कौन कौन से मॉडल्स में आता है, बिकॉज ये डिटेलिंग्स ना हर जगह नहीं मिल पाती। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके लिए डिटेल मीटर के रिगार्डिंग भी, तो वो सारे जितने भी क्वेश्चन है ना वो इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले फिट करते हैं, वायरिंग बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे प्रो एंड कॉन्स की, इसको फिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी डिटेल। चलिए फिट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने खोल दिया है, बट फाइनल फिटिंग से पहले हमेशा हमको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ये यूनिट प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसमें ये कपलर फिट करके। तो जो स्पीडोमीटर का जो वायरिंग है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और जब आप यहाँ से वायरिंग को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यही वायर यहाँ लगेगा। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ एक बार। और ये सेम कपलर जो है वो इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगा। ये इसके अंदर कपलर जो है वो फिट हो चुका है। अब मैं ऑन करता हूं, दिखाता हूं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। अब हम देखते हैं ये कलर चेंज करता है कि नहीं, क्योंकि इसमें 5 कलर्स आते हैं, तो आपको थोड़ी देर प्रेस करके रखना होता है। वो रेड बटन, यहाँ पे एक रेड बटन आता है, उसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि ये कलर चेंज हो रहे हैं। जो भी कलर पे आप स्टॉप करेंगे, इस रेड बटन को छोड़ेंगे, ये जो पीछे आप रेड बटन देख रहे हैं इसको जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो कलर आपका वो सेट हो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से आप कलर इसका इजिली चेंज करते हैं। तो जल्दी से हम इसको फिट करते हैं, फिर बाकी बात भी करते हैं। वायर्स निकल चुका है, ये जो आप देख रहे हैं वो है कंपनी का, और ये जो आता है इस स्पीडोमीटर के साथ में आता है, जो डिजिटल स्पीडोमीटर है। तो अब मैं इसको फिट करता हूँ, इसको निकालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है, जो फिटिंग होती है थोड़ी चेंज होती है, तो फिट करते हैं। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये फिट हो चुका है, एंड इसकी जो स्पीडोमीटर की वायर है वो भी लग चुकी है। जो वायर होती है स्पीडोमीटर की जो नीचे की तरफ लगती है जिसमें स्पीड पता चलती है, वो भी लग चुकी है, और उसका कनेक्शन भी यहाँ पर दे दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कनेक्शन यहाँ पर दे दिया गया है, एंड उसका डिजिटल मीटर का भी कनेक्शन यहाँ पर दे दिया है। बट एक वायर और बाकी है जो कि RPM की वायर है। तो ये कैसे देते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे CDI होता है डिग्गी के पास में, ठीक है, इस डिग्गी में CDI होता है, वहां पर हमको कनेक्शन वायर देना होता है। तो चलिए वो भी फिट करते हैं। अब RPM के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, RPM के लिए एक वायर सिर्फ एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक वायर डाला हुआ है, ठीक है, ये पूरा वायर इसके पीछे से जाके अंदर से जाके फिर मैंने यहाँ से ये वायर निकाला हुआ है ताकि वो इंजन से टच ना हो, ठीक है, और हाइट भी रहे, सामने वायर दिखाई ना दे। बाद में मैं इसको जोड़ दूंगा, वो जो मैंने वायर दिखाई थी आपको उस वायर में, वो आगे से दिखाता हूँ आपको। मगर ये कहाँ जोड़ना है जिससे कि आपका RPM काम कर सके, वो है टूल बॉक्स में, ये CDI होता है, ठीक है। तो यही आपके जो स्पार्क प्लग है, जो इग्निशन है, इग्निशन सिस्टम को बताता है कि कितना स्पीड पे गाड़ी चल रही है और कितना स्पार्क देना होता है, ये पूरा इग्निशन सिस्टम को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जुड़ा रहता है TPS से। ये रहा TPS, आप देख रहे हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ठीक है, आपका थ्रोटल का पोजीशन क्या है, ठीक है, वो सारे सेंस जो होती हैं वो CDI में ही जाती है,
तो दोस्तों कैसे लगाना है इसका वायरिंग वो दिखा देता हूँ क्लोज करके आपको। तो थोड़ा क्लोज कर देता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सीढ़िया ऐसे होगा। तो ये लास्ट वायर आप देखेंगे वो इधर लगता है, इधर लगता है लास्ट वायर। उसमें से आपको जो लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड के अंदर में इस वायर को डालना है। ठीक है, थोड़ा पतला कर देते हैं अच्छे से। ये अच्छे से इंसर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस रिफिट कर दूंगा। ये रिफिट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि आरपीएम जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पीछे से वायर आ रहा था उसको मैंने टेम्पररी कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, अभी फिक्स नहीं किया। उस पर टेप भी लगेगा, अच्छे से उसको बंद करेंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं कि आरपीएम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा ब्लैक टच में मैंने रखा हुआ, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। आप कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं वो अगेन मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एक बार। तो आप देख रहे होंगे आरपीएम काम कर रहा है। जैसे कि आपने देखा कि आरपीएम काम कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिक्स करेंगे, बंद करेंगे। जितने भी कनेक्शन सारे हो चुके हैं तो सेट करता हूं, फिर बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डिजिटल मीटर अच्छे से फिट हो चुका है, सारे वायर कनेक्शन भी दे रखे हैं। एंड अब हम करते हैं फाइनल चेक, तो देखते हैं क्या क्या इसमें वर्किंग होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, ये है आरपीएम का, ये टोटली वर्क करेगा। ठीक है, मैंने कनेक्शन दिया हुआ है, मैं अभी रोड पर करके भी दिखाऊंगा कैसे राइड करते हुए ये वर्क कैसे करता है। ये स्पीड है आपका, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में बताएगा। एंड ये है ओडीओ, कितना आपका किलोमीटर चलेगी। अभी तो फिट गया नया नया, तो 0-0 दिखा रहा है। एंड नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ फ्यूल इंडिकेटर भी है। ठीक है, आपका फ्यूल इंडिकेटर का वायरिंग मैंने अभी तक नहीं किया हुआ है, बट वो उसके लिए भी नेक्स्ट जल्दी ही वीडियो आपके लिए आएगी। तो आप अगर अलग से फिट कर रहे थे तो आपको अलग से फिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ये एक पॉजिटिव है। तो बाकी देखते हैं बाकी क्या है इसके अंदर। ये है इंडिकेटर का, इंडिकेटर का लेफ्ट राइट का अलग अलग है, जैसे कि स्टॉक में आता है कि एक साथ में आता है वैसा नहीं है, तो इसका अलग अलग है। आप राइट लेफ्ट का देंगे तो वो आपको अलग अलग दिखाएगा। एंड इसमें आपको हाई बीम लो बीम भी दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट सारी फीचर्स कवर हैं इसके अंदर एंड वर्किंग भी है। तो चलिए अब रोड पर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको ये कैसा वर्क करता है रोड पर। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, बहुत ही इजी था फिट करना। एंड कुछ वायरिंग अगर आइडिया हो ना आपको, तो ये बहुत काम इजी भी है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ये पूरा जो फिटिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं आप इजीली घर पे। वैसे आपको वायरिंग सारी डिटेलिंग तो पता चली गई है। एंड सिर्फ एक आपको एक सिर्फ 1.5 मीटर के आसपास का वायर चाहिए, बाकी सारे पार्ट जो है ना उसके साथ में आते ही है डिजिटल मीटर के साथ में। अब हम बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स के बारे में। प्रो एंड कॉन्स से पहले आपको बता दूं कि टोटली मॉडिफिकेशन जो लीगल है, आप चाहो तो करवा सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रो की बात करें कि इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स में ये है कि जैसे कि आपने देखा कि पूरा डिजिटल है, ठीक है, लुक भी अच्छा कर रहा है, मल्टी कलर से अपनी गाड़ी के कलर के हिसाब से या आपको जो कलर पसंद है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। 5 शेड्स आते हैं उसके अंदर, जो शेड्स आते हैं वो भी अच्छे हैं, जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं नाइट में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अच्छा है, लुक को थोड़ा सा एक एड ऑन दे रहा है। प्लस अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में आपने देखा कि इसमें आरपीएम जो है वो एड ऑन हो रहा है, तो RPM भी आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा। एंड आपको डिजिटल नंबर्स दिख जाएंगे कितने किलोमीटर्स हैं। एंड आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं, लेफ्ट राइट के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वो भी क्लियर है। फ्यूल इंडिकेटर भी हैं, तो फ्यूल इंडिकेटर अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं तो ज़रूर उसके लिए व्लॉग आएंगे। एंड आप अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको फ्यूल इंडिकेटर का वीडियो चाहिए कि नहीं। तो
उस डिमांड पे जरूर वीडियो बनाई जाएगी। एंड अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में कि डिसएडवांटेज क्या है, लगाना चाहिए लगाना चाहिए वो भी चीज़ है। तो 90% ये कैलिब्रेट होता है, तो फुली कंपनी नहीं देती है इसलिए कैलिब्रेट नहीं होता है। आजकल डाटा जो इसके साथ मिलेगा ना, जैसे RPM, स्पीड, ये सब जो डिटेल्स मिलेगा वो फुल्ली एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है एकमात्र, बाकी सभी चीज़ें इसमें बेनिफिट ही है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको टोटली क्लियर हो चुका होगा, वायरिंग क्लियर हो चुकी है, कैसे फिट करना है वो क्लियर हो चुका होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है जहां से आप इसको इजीली बाय भी कर सकते हैं, देखिए और अपनी गाड़ी में फिट करा सकते हैं, अपने घर में ही फिट कर सकते हैं, कैसे फिट कर सकते हैं वो डिटेल आपको मिल चुकी है। तो दोस्तों यहां पर वीडियो का एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट को, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपके लिए आती रहेंगी। बाय।